अच्छा जी, ज्वाइन कर लिया आप लोगों ने दोबारा। हाँ जी, शुड वी स्टार्ट? यस सर। तो हम बात करते हैं स्वैपिंग की, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि प्रोसेस को स्वैप आउट करते हैं, फिर स्वैप इन कर लेते हैं। और ये कब होगा? जब हमारे पास मेमोरी शॉर्ट हो रही होगी और नए प्रोसेस को हमने मेमोरी में लोड करना है, तो इसको हम कहते हैं स्वैपिंग का प्रोसेस। अच्छा जी, तो वो कहते हैं कि जी अदर कॉन्स्ट्रेंट्स एज वेल एज ऑन द स्वैपिंग पेंडिंग आईओ कांट स्वैप आउट एज आईओ वुड अकर टू रॉन्ग प्रोसेस। अगर एक कुछ कंडीशंस हैं, अगर एक प्रोसेस किसी आईओ का वेट कर रहा है तो हम उसे स्वैप आउट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमने उसको स्वैप आउट कर दिया, आईओ कंप्लीट हो गया, तो उसको कौन कैश करेगा उस आईओ को? वो जो प्रोसेस जो उसका वेट कर रहा था वो तो निकल गया उसमें से, लिहाजा जो आईओ का वेट कर रहा है हम उसको नहीं करेंगे। और ऑलवेज ट्रांसफर आईओ टू द कर्नल स्पेस देन टू द आईओ डिवाइस, या फिर हम जो आईओ होती है उसको भी हम कर्नल स्पेस पे ट्रांसफर कर देते हैं। खैर उसको छोड़ दें फिलहाल। नंबर टू है जी स्टैंडर्ड स्वैपिंग नॉट यूज इन द मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम बट मॉडिफाइड वर्जन। अब कहते हैं जो स्टैंडर्ड स्वैपिंग थी अब हम वो नहीं इस्तेमाल करते मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम में, लेकिन हम उसका जो है वो मॉडिफाइड वर्जन इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, मॉडिफाइड वर्जन क्या होता है? मॉडिफाइड वर्जन का मतलब ये हो गया कि आप लिमिट लगा लेते हैं कि जी अगर हमारे पास जो प्रोसेस की मेमोरी है वो इतने परसेंट से कम हो गई फिर हम स्वैपिंग जो है वो अलाउ करेंगे, अदरवाइज हम स्वैपिंग अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि याद रखिएगा कि स्वैपिंग का फायदा ये है कि इससे आप अपने प्रोग्राम जिनकी मेमोरी रिक्वायरमेंट आपकी रैम से ज्यादा है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं साइमल्टेनियसली, लेकिन ड्रॉबैक क्या होगा कि स्वैपिंग जब भी करेंगे तो उसमें हमारा डिले आएगा, क्योंकि हमने डेटा स्वैप आउट करने में और स्वैप इन करने में डेटा ट्रांसफर करने में टाइम लगेगा और वो काम भी सीपीयू ने करना है, उस दौरान सीपीयू कोई और प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं करेगा। जैसे हमने कहा था ना कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में हमेशा डिले आता है या प्रोसेस पे यानी कि उसकी परफॉर्मेंस पे बुरा असर पड़ता है, तो इस तरीके से स्वैपिंग जब भी ज्यादा की जाएगी तो उसका जो है वो परफॉर्मेंस पे बुरा असर पड़ेगा। तो हमें दोनों चीजों को सामने रख के चलाना पड़ता है। स्वैपिंग के बाद है जी कंटीन्यूअस एलोकेशन। कंटीन्यूअस एलोकेशन कंटीन्यूअस किसे कहते हैं? कंटीन्यूअस कहते हैं कंटीन्यूअस को। कंटिन्यूस का मतलब है दैट लाइन दैट अ थिंग विदाउट इंटरप्ट और विदाउट एनी ब्रेक। ठीक है, एक कंटिन्यूस क्लास चल रही है सुबह 9 बजे से लेके 12 बजे तक जो है आपके कंटिन्यूस लेक्चर्स हैं, मतलब वन बाय वन लेक्चर हैं, दरमियान में कोई ब्रेक नहीं है, दरमियान में कोई गैप नहीं है, तो उसको हम कहते हैं कंटिन्यूस मुसलसल कंटिन्यूस। ठीक है, तो वो कहता है कि जी मेमोरी की जो है ना कंटिन्यूस एलोकेशन होती है। कंटीजियस एलोकेशन का मतलब ये हुआ कि मेन मेमोरी मस्ट सपोर्ट बोथ ओएस एंड यूजर प्रोसेस, लिमिटेड रिसोर्सेज मस्ट एलोकेट एफिशिएंटली। कंटीजियस एलोकेशन इज वन अर्ली मेथड, मेन मेमोरी यूजुअली डिवाइडेड इनटू द पार्टीशंस। ठीक है, और जब हम उसको पार्टीशन में डिवाइड करते हैं तो हम ये देखते हैं कि पार्टीशन में बेसिकली हमारे पास दो तरह की पार्टीशन आती हैं। एक पहले इनिशियल कॉन्सेप्ट होता था कि हम सिंगल पार्टीशन पे काम करते थे, अब सिंगल पार्टीशन का खत्म हो गया, अब हमारे पास जो होता है वो दो तरह की पार्टीशन होती है, एक होती है फिक्स पार्टीशन और एक होती है हमारे पास वेरिएबल पार्टीशन। फिक्स पार्टीशन का कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम प्रोसेस को 3 या 4 पार्ट्स में, प्रोसेस की मेमोरी को सॉरी ओएस की सिस्टम की मेमोरी को रैम को हम 3 या 4 पार्टीशन में डिवाइड कर देते हैं और हर पार्टीशन के ऊपर जो है वो प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा, अब उसका ड्रॉबैक उसमें ये आता है कि अगर आपने एक पार्टीशन का साइज बनाया 100 MB, एक का बनाया 200, एक का 300, एक का 400, तो जो पार्टीशन 1 है उसमें मैक्सिमम जो प्रोसेस आ सकता है वो 100 MB का ही आ सकता है, क्योंकि आपने उसको फिक्स कर दिया कि इसमें 100 MB या उससे छोटा प्रोसेस आ सकता है, उससे बड़ा प्रोसेस नहीं आएगा। उसका मतलब है 1 से लेकर 100 MB तक के प्रोसेस जो है वो पार्टीशन 1 में चले जाएंगे। फिर दूसरे का साइज है आपके पास 200 MB, तो 101 से लेकर 200 तक के सेकंड में चले जाएंगे, एंड सो ऑन, इसी तरह थर्ड में एंड फोर्थ में। अब एक सवाल तो ये होता है कि अगर आपके पास अगर नंबर ऑफ पार्टीशंस 4 हैं तो इसका मतलब है कि प्रोसेस भी जो एट ए टाइम उसमें आ सकते हैं वो 4 ही आ सकते हैं, क्योंकि हर पार्टीशन में एट ए टाइम एक ही प्रोसेस आएगा, बेशक पार्टीशन में आपके पास साइज बच रहा हो। मतलब 100 MB की पार्टीशन है और आपने उसमें एक प्रोसेस लोड कर दिया वो 50 MB का है, और तो आपके पास 50 MB बच गए हैं, लेकिन आप दूसरा प्रोसेस लोड नहीं कर सकते क्योंकि एक पार्टीशन में एक ही प्रोसेस एट ए टाइम आएगा। तो इसका मतलब है जो नंबर ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग है वो फिक्स हो गई किसके साथ हिसाब से, नंबर ऑफ पार्टीशन के हिसाब से। नंबर ऑफ पार्टीशन बढ़ाएंगे तो फिर नंबर ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग बढ़ेगी, उससे ज्यादा हम नहीं कर सकते। एक बात, दूसरा इसमें एक प्रॉब्लम आता है जिसे हम कहते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का मतलब ये होता है कि शायद इसमें हमारे पास है यहाँ पे हाँ
कि हमारे पास जो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का मतलब ये है कि आपने एक पार्टीशन बनाई 100 MB की और आपने उसमें प्रोसेस लोड किया 70 MB का, तो 30 MB हमारे पास जो स्पेस क्या है वो ज़ाया हो रही है। क्यों? क्योंकि इस वक्त इस 30 MB के अंदर जब तक वो प्रोसेस चल रहा है हम 30 MB में कोई नया प्रोसेस तो लोड नहीं कर सकते। तो ये अच्छा, अब ये पार्टीशन वन में हुआ, इसी तरीके से पार्टीशन टू में भी हो रहा है, हो सकता है थ्री में भी हो, इस तरह फोर में भी हो। पता चला कि जी चार पार्टीशन से टोटल हमारे पास 200 MB स्पेस बच रही है। अब एक और प्रोसेस है, उसकी रिक्वायरमेंट सपोज करें 100 या 150 MB है, वो लोड होना चाहता है लेकिन हम उसे लोड नहीं करेंगे। क्यों? ऑल दो हमारे सिस्टम में 200 MB स्पेस बची हुई है लेकिन वो एक एक पार्टीशन की शक्ल में नहीं है, बल्कि हर पार्टीशन में थोड़ी थोड़ी स्पेस बची हुई है और उनका सम जो है वो 200 MB के करीब बन रहा है, तो लिहाजा हम अपने उस प्रोग्राम को लोड नहीं कर सकते। तो दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। ये इसकी डेफिनेशन है कि जी एलोकेटेड मेमोरी मे बी स्लाइटली लार्जर देन द रिक्वेस्टेड मेमोरी, दिस साइज डिफरेंस इन इज मेमोरी इंटरनल टू अ पार्टीशन बट नॉट बीइंग यूज्ड। ठीक है, तो दैट दिस फिनोमेना या दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड द इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। अच्छा जी, तो सर, जी सर हम जाएं क्विज है जिनका, सॉरी सर हमारा क्विज है तो फिर हम जाएं, अब 6-7 मिनट रहते हैं सिर्फ, वो देख लेना क्विज उसका भी होने वाला है। ठीक है, जिन लोगों का क्विज है वो जा सकते हैं, बस हम अभी चलिए ठीक है सर, थैंक यू, रैप कर देंगे। ठीक है, ओके सर, रिकॉर्डिंग डाल दूंगा आप लोग फिर वहां से देख लीजिएगा यूट्यूब से या वो Amazon। ओके सर, ओके। अच्छा जी, उसके बाद फिर जो हमारे पास इशू आता है वो आता है, सॉरी हमने कहा कि हमारे पास जो है वो कंटीजियस एलोकेशन में दो तरह की स्कीम होंगी, एक होगी हमारे पास फिक्स पार्टीशन, एक होगी हमारे पास वेरिएबल पार्टीशन। ये फिक्स पार्टीशन थी हमने, जिसमें कहा कि हमने ऑलरेडी पार्टीशन का साइज डिफाइन कर दिया। ये जो हम अभी बात कर रहे थे वो ये है हमारे पास कि डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग लिमिटेड बाय द नंबर ऑफ पार्टीशन। ठीक है, ये जो हमारे पास उसकी बात होगी वेरिएबल पार्टीशन साइज फॉर द एफिशिएंसी, और इसमें हमारे पास जो अच्छा जो दूसरा हमारे पास स्कीम है यानी वेरिएबल पार्टीशन की, उसमें ऐसे हम कोई पार्टीशन साइज पहले से फिक्स नहीं करते। ठीक है, उसमें तो हमने कहा ना कि हमने चार पार्टीशन बना दी, 100 की, 200, 300, 400 की, और साइज फिक्स कर दिया। वेरिएबल पार्टीशन में ये कॉन्सेप्ट नहीं होता। वेरिएबल पार्टीशन ये कहती है कि आपके पास पूरी जो मेमोरी है वो एक एक मतलब एक एक सिंगल पार्टीशन है। अब एक प्रोसेस आया, उसने टोटल आपके पास मेमोरी अवेलेबल है से जी 1000 MB। अब एक प्रोसेस आया, उसने कहा जी मुझे 200 MB चाहिए, तो उसको 200 MB दे दी। फिर नेक्स्ट प्रोसेस आया, उसने कहा जी मुझे 50 MB चाहिए, उसको सेकंड को बी दे 50 दे दी। फिर थर्ड आया, वो कहते हैं जी मुझे 300 चाहिए, उसे 300 दे दी। यानी हर प्रोसेस जितनी MB मेमोरी डिमांड कर रहा है हम उसको उतनी ही मेमोरी जो है वो एलोकेट कर रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, वेरिएबल पार्टीशन है। अब अगर पहला प्रोसेस 100 मांगता है तो आप उसको 100 MB देंगे, अगर वो 200 मांगता है तो 200 देंगे, अगर वो 300 मांगता है तो आप 300 देंगे, और यानी हर प्रोसेस की वो जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है उतनी स्पेस देंगे। हाँ, कंडीशन ये है कि आपके पास उतनी स्पेस अवेलेबल हो। अगर आपने 3-4 प्रोसेस लोड कर दिए और सपोज करें कि अब आपके पास जो रिमेनिंग प्रोसेस है, जो मेमोरी अवेलेबल है फ्री, वो हमारे पास 100 MB है, और प्रोसेस कहता है जी मुझे 120 MB चाहिए, तो हम लोड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी जो मेमोरी रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा है और हमारे पास जो मेमोरी अवेलेबल है वो हमारे पास क्या है, कम है। तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है वो वेरिएबल पार्टीशन का कॉन्सेप्ट है। ये क्लियर हो गया जी डिफरेंस हमारा वेरिएबल का और इसका फिक्स पार्टीशन का? जी क्लियर हो गया। इसमें कोई क्यूरी है तो बताएं। क्लास, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको? जी सर क्लियर है। अच्छा, ये जो नीचे डायग्राम आपको नजर आ रही है ये अगेन वेरिएबल पार्टीशन की है, जिसमें ये दिखाया हुआ है कि जी पहले OS है, उसके बाद प्रोसेस 5 आया, फिर 8 आया, फिर 2 आया, और प्रोसेस 5 की मेमोरी आपको लग रहा है कि कम है, 8 की ज्यादा है, प्रोसेस की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, फिर 2 है उसकी कम है, एंड सो ऑन। अच्छा, अब इसमें फिर वो ये होता है वेरिएबल पार्टीशन की बात करते हैं, तो इसमें ना होल्स क्रिएट हो जाते हैं। होल्स कैसे क्रिएट होते हैं? होल्स ऐसे ऐसे क्रिएट होते हैं कि आप ये सपोज करें ये 3 प्रोसेस थे, 5, 8 और 2, थोड़ी देर बाद प्रोसेस 8 कंप्लीट हो गया। अब जो प्रोसेस 8 कंप्लीट हो गया तो ये ब्लू एरिया ये क्या हो गया, ये फ्री एरिया हो गया दोबारा। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद अभी 5 और 2 चल रहा है, एक नया प्रोसेस आ गया प्रोसेस 9। अब सपोज करें जो 8 प्रोसेस 8 गया उसका साइज सपोज कर लें जी 400 MB था। अब 400 MB का दरमियान में एक फ्री होल क्रिएट हुआ, फिर एक नया प्रोसेस आ गया, वो कहता है जी मुझे 100 MB चाहिए, तो इस 400 में से प्रोसेस 5 के बाद आपने 9 को लोड कर दिया, और ये 400 के बजाय हमारे पास स्पेस बच गई 300।
फिर एक और प्रोसेस आ गया, उसने कहा जी मुझे प्रोसेस टेन, उसने कहा जी मुझे भी 100 चाहिए, वो 100 भी आपने उसको दे दिया, पीछे हमारे पास बच गए 200। तो ये जो फ्री एरिया दरमियान में बन रहे हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल फ्री होल्स। अच्छा, अब अगर सपोज करें इस आखिरी डायग्राम को देखें और सपोज करें कि अब प्रोसेस 9 भी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, सपोज करें प्रोसेस 9 भी कंप्लीट हो जाता है, अगर प्रोसेस 9 कंप्लीट हो गया तो चलिए हमारी पिक्चर है, हम इसको एडिट नहीं कर सकते, तो अगर ये प्रोसेस 9 भी कंप्लीट हो जाता है तो इसका मतलब ये होगा कि आपके पास प्रोसेस 5 है, फिर 9 कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक फ्री होल, फिर प्रोसेस है, फिर फ्री होल, फिर प्रोसेस है, एंड सो ऑन। तो इसका मतलब है कि डायग्राम कुछ इस तरह बन रही होगी कि प्रोसेस आ रहे हैं, एक दो प्रोसेस, फिर फ्री होल, फिर प्रोसेस, फिर प्रोसेस, फिर फ्री होल, फिर फ्री होल, फिर प्रोसेस, एंड सो ऑन। तो यानी कि कई जगहों पे आपको दरमियान में खाली मेमोरी, खाली एरिया जो है वो नजर आ रहा होगा, तो इसको हम कहते हैं होल। ब्लॉक ऑफ अवेलेबल मेमोरी होल्स ऑफ वेरियस साइज आर स्कैटर्ड थ्रू द मेमोरी, स्कैटर्ड मतलब फैले होंगे, तो पूरी मेमोरी अगर हम डायग्राम बनाएंगे तो उसमें कई जगह पे हो सकता है हमें पे हमारे पास फ्री होल्स मिल जाएंगे। व्हेन अ प्रोसेस अराइव इट इज एलोकेटेड मेमोरी फ्रॉम अ होल लार्ज इनफ टू अकोमोडेट इट, एक प्रोसेस जब आता है तो हम उसको उस होल में से साइज एलोकेट करते हैं जिसका साइज इसके रिक्वायरमेंट के बराबर हो या इससे बड़ा हो। प्रोसेस एग्जिटिंग फ्री इट्स पार्टीशन एडजेसेंट फ्री पार्टीशन कंबाइंड। अच्छा, अब अगर सपोज करें इसी डायग्राम में, ये सपोज करें इस डायग्राम में जो हमारी थर्ड डायग्राम है, इसमें अगर प्रोसेस 2 कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, तो ये भी फ्री होल हो जाएगा। तो वो कहता है कि जब दो फ्री होल आपस में नेबर हों, ठीक है, या एडजेसेंट हो, मिले हुए हों एक दूसरे के साथ, यानी एक के बाद दूसरा इधर हो या इधर हो, तो हम उनको क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे। दो फ्री होल्स को आपस में हम क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे। अगर ये 200 MB का है, ये 100 MB का, तो ये दोनों कंबाइन होकर कितने का बन जाएगा, 300 MB का फ्री होल बन जाएगा। चलो, तो ये हम कह रहे थे उनको हम मर्ज कर देंगे, ठीक है, फ्री होल्स को। तो अब वो कहता है कि जी अब हमारे पास जो है वो इस तरह की सिचुएशन बनेगी कि एक उसमें जगह जगह पे हमारे पास फ्री होल्स हो रहे होंगे। इसमें फिर एक इशू आता है कि वो ये कहता है कि अच्छा नहीं, पहले हम वो देख लेते हैं फर्स्ट फिट वगैरह का। अब अगर आपके पास मेमोरी इस तरह की बन रही है, स्नैपशॉट उसका इस तरह का बन रहा है कि एक प्रोसेसर है और उसकी मेमोरी है, सपोज एक मिनट में ना इसकी एक पिक्चर है, मैं आपके साथ वो शेयर करता हूँ, एक मिनट। अच्छा जी, हमारी डायग्राम थी मेमोरी फ्रेगमेंटेशन, बेस्ट फिट, ये हमारी है फर्स्ट फिट, ये हमारी है वर्स्ट फिट। अच्छा जी, ये हो गया, ठीक। अच्छा जी, अच्छा अब सूरत हाल ये बनती है हमारे पास कि आपके पास जो मेमोरी है उसमें इस तरह की सिचुएशन है कि आपके पास उसमें प्रोसेस यानी फ्री बिजी एरिया या प्रोसेस प्रोसेसेस हैं,
फिर फ्री होल है, फिर प्रोसेस एंड, फिर फ्री होल है, फिर प्रोसेस एंड, फिर फ्री होल है, यानी आपके पास जो फ्री होल्स हैं वो थ्रू आउट द मेमोरी स्कैटर्ड हैं, और उनकी जो तादाद है वो एन हो सकती है, मतलब कोई फिक्स नहीं है, वो कुछ भी हो सकती है, 3, 4, 5 डिपेंड करते हैं। तो अच्छा, और हर एक जो फ्री होल है उसका साइज भी डिफरेंट होगा, कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, वो डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोसेस वहाँ से कम्प्लीट होकर गया। तो वो कहते हैं कि हमारे पास जब हम डायनेमिक स्टोरेज एलोकेशन कहते हैं कि जब एक नया प्रोसेस आ रहा है ऐसे सिस्टम में जिसमें मल्टीपल फ्री होल्स अवेलेबल हैं, तो एक नए प्रोसेस को आप कौन से होल में एडजस्ट करेंगे या कौन से होल में से उसको मेमोरी देंगे। तो उसके लिए तीन ऑप्शन है, एक है फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट और वर्स्ट फिट। फर्स्ट फिट क्या कहती है, फर्स्ट फिट कहती है एलोकेट द फर्स्ट होल दैट इज बिग इनफ। ठीक है, मतलब ये हुआ कि आपके पास, यहाँ पे हम एक डायग्राम है वो शेयर करते हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल बेस्ट फिट और फर्स्ट फिट। ओके फाइन, और हमने शेयर करनी है स्क्रीन और ये हमारे पास है जी फर्स्ट फिट की डायग्राम। ठीक है, अब फर्स्ट फिट का मतलब ये होगा कि आपके पास सपोज करें 3 फ्री होल अवेलेबल हैं। ठीक है, उसको हम नाम दे देते हैं H1, H2, H3। ठीक है, H1 शुरू में है, H2 दरमियान में है, H3 सिस्टम के एंड में है। अब H1 का जो साइज है वो है 100 MB KB जो भी कह लें, H2 का साइज है वो हम कह देते हैं जी 60 है, H3 का साइज है वो हम कह देते हैं 150 है, 100, 60 और 150। अब वो ये कहता है कि जब नया एक प्रोसेस आता है और उसकी जो साइज रिक्वायरमेंट है वो हम कह देते हैं कि जी 110 है, तो वो कहाँ पे प्लेस किया जाएगा। इस केस में तो 110 वाला ना 100 में प्लेस करेंगे, क्योंकि जाहिर बात है रूल ये है कि हमें उससे बड़ा होल का साइज उससे बड़ा होना चाहिए प्रोसेस की रिक्वायरमेंट से। तो अगर वो 100 है तो 110 वाला तो उसमें नहीं जाएगा, 60 में भी जाएगा तो वो अल्टीमेटली 150 वाले में जाएगा। लेकिन अगर आने वाले प्रोसेस का साइज 50 होता, अब वो तीनों में जा सकता था, वो 100 में भी प्लेस हो सकता है, वो 60 में भी और वो 150 में भी। तो फर्स्ट फिट ये कहता है कि जो पहला होल जिसका साइज इसकी रिक्वायरमेंट के बराबर हो या इससे बड़ा हो उसमें हम प्लेस कर दें। तो फर्स्ट फिट के तहत जो 50 MB का जो प्रोसेस है वो फर्स्ट होल जो कि 100 MB का है उसमें प्लेस किया जाएगा। ये एक एग्जाम्पल है, इसमें उसने बताया कि जी हमारे पास जॉब नंबर्स हैं, J1 जॉब कह लें, प्रोसेस कह लें, उनकी मेमोरी रिक्वायरमेंट है 20, 200, 500 और 50। अब वो कहते हैं जी हमारे पास मेमोरी लोकेशंस हैं ये, और इसके ऊपर जो मेमोरी ब्लॉक साइज वो ये हैं 230, 750। जॉब ये इसमें प्लेस की गई है, ये इसमें प्लेस की गई है, ये इसमें प्लेस की गई है। तो अब जे बल्कि हम यूज इसको फर्स्ट फिट से जब हम स्टार्ट करते हैं तो इनिशियली हमारे पास पहला जो फ्री होल था वो 200 का था, पहली जॉब आई J1। अब 20 J1 में आ सकता था, तो लिहाजा J1 को हमने फर्स्ट होल के अंदर प्लेस कर दिया। अच्छा, सेकंड जॉब है J2, वो है 200 की, वो टू जो 200 है वो हमारे पास इसमें नहीं आ सकता क्योंकि ये 30 है जबकि हमारे 200 है। तो वो अगला कौन सा फ्री होल है, वो 700 का है, तो जैसे J2 को किसमें हमने डाल दिया, 700 में डाल दिया। फिर नेक्स्ट जॉब आ रही है J3, वो 500 की है। अब वो 500 जो है वो 200 में भी नहीं आ सकती क्योंकि यहाँ तो पीछे 180 बचा, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे भी हमारे पास नहीं है और यहाँ पे हमारे पास 50 है, तो लिहाजा J3 हम लोड नहीं कर सकते, और J4 जो है वो 50 है, वो 50 में ही जाके लोड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने प्रोसेस को लोड कर दिया। अब ये बिजी हो गया, ये बिजी हो गया, ये बिजी हो गया, जबकि ये वाला अभी हमारे पास फ्री है। और अब वो कहता है कि जो हमारे पास स्पेस बच रही है वो कितनी बच रही है, ये हमारे पास 200 का था, 20 इसमें डाल दिया तो 180 पीछे बच रही है, 700 का था 200 डाल दिया 500 बच रही है, और ये 50 का था 50 डाला तो हमारे पास नन स्पेस अवेलेबल है। तो इसको हम कहते हैं कि जी हमारे पास ये आपकी फर्स्ट फिट टेक्निक है। तो फर्स्ट फिट टेक्निक का रूल ये है कि आपने नए प्रोसेस को जो फर्स्ट फ्री होल है जो कि बिग इनफ है कि उसको एकोमोडेट करें वहाँ पे प्लेस कर देंगे, बस जहाँ पहला मिल जाएगा आप वहीं पे उसको डाल देंगे। तो दिस इज व्हाट वी कॉल फर्स्ट फिट टेक्निक। सेकेंड टेक्निक है हमारे पास बेस्ट फिट। ये स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ स्लाइड्स? यस सर। अच्छा, तो बेस्ट फिट ये कहती है कि एलोकेट द स्मॉलेस्ट होल दैट इज बिग इनफ और मस्ट सर्च एंटायर द लिस्ट अनलेस ऑर्डर्ड बाय द साइज। तो कहता है कि आपने उस फ्री होल में पुट करना है नए प्रोसेस को जो जिसका साइज इसके साइज से बड़ा हो लेकिन बाकियों से छोटा हो। मतलब ये है कि अगर आपके पास 3 फ्री होल हैं, एक है आपके पास 120 का, एक है 100 का और एक है हमारे पास 140 का,
ठीक है, 100 का 120 का और 80 का, यूं कर लेते हैं 100 का 120 का और 80 का, प्रोसेस आ रहा है वो आ रहा है 70 एमबी का, तो अगर आप 100 में डालेंगे तो 30 एमबी बचेगी, अगर आप उसको 120 में डालेंगे तो आपके पास 50 एमबी बचेगी, लेकिन अगर आप 80 में डालेंगे तो आपके पास सिर्फ 10 एमबी बचेगी। तो बेस्ट फिट के तहत आप उसको कहाँ डालेंगे, 80 एमबी वाले के अंदर, जिसमें प्लेस करने के बाद जो साइज, जो आपके पास मेमोरी बचेगी वो सबसे कम से कम होगी, तो इसको हम कहते हैं बेस्ट फिट, यानी जो उसके बिल्कुल करीब तरीन हो तो उसको हम कहते हैं बेस्ट फिट। तीसरे नंबर पे है वर्स्ट फिट। वर्स्ट फिट बेस्ट फिट का अपोजिट है। वर्स्ट फिट ये कहता है कि आपने उस प्रोसेस को सबसे बड़े होल में डालना है, जिसका होल का साइज सबसे ज्यादा है। तो इसी केस में अगर आपके पास वो 180 और 120 था और आने वाला प्रोसेस 70 का है, तो अब आप बेस्ट फिट में आपने उसे 80 में डाला था, वर्स्ट फिट में आप उसे किस में डालेंगे, उसको आप 120 वाले में डालेंगे। इसकी इंट्यूशन, अच्छा बेस्ट फिट की इंट्यूशन क्या है, इंट्यूशन ये है कि हमारे पास प्रोड्यूसेस स्मॉलेस्ट लेफ्ट ओवर होल, यानी जब आप उसको 80 वाले में 170 डालेंगे तो आपके पास जो सिर्फ 10 एमबी की स्पेस बचेगी, ठीक है, यानी जो मेमोरी वेस्ट होगा वो कम से कम होगा। जबकि वर्स्ट फिट ये कहती है कि आप सबसे बड़े में डालेंगे तो जो मेमोरी बचेगी वो इतनी बड़ी होगी कि आप कोई और प्रोसेस उसमें लोड कर सकते हैं, मतलब आपने 120 में जब 70 लोड किया तो हमारे पास स्पेस बची 150 MB, तो अब अगर एक प्रोसेस आता है 30-40 MB का, तो वो आराम से इस 50 MB वाली स्पेस में एलोकेट किया जा सकता है। तो इसको हम कहते हैं कि हमारे पास वर्स्ट फिट है। तो ये तीन स्कीम्स हैं। बाज़ पेपर में सवाल आ जाता है कि वो आपको कहता है कि जी ये हमारे पास मेमोरी है, साइजेस हैं, और बल्कि शायद इसी बुक में भी एक्सरसाइज है, क्यों आप उसको प्लेस कर रहे हैं और उसके बाद जो है ना नेक्स्ट आपने, मतलब वो आपको स्नैपशॉट बना के देगा कि यहाँ यहाँ ये प्रोसेस लोड हुए हैं और ये फ्री होल्स अवेलेबल हैं, अब आपने जो है ना ये नए प्रोसेस आ रहे हैं, इनका साइज ये है, और आपने इसको फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट या वर्स्ट फिट के साथ जो है वो एलोकेट करना है। नीचे वही कहता है कि जी फर्स्ट फिट एंड बेस्ट फिट बेटर देन द वर्स्ट फिट इन टर्म्स ऑफ स्पीड एंड स्टोरेज यूटिलाइजेशन। तो फर्स्ट फिट और बेस्ट फिट जो है वो बेहतर हैं स्पीड और स्टोरेज यूटिलाइजेशन में। अच्छा फर्स्ट फिट क्यों बेहतर है, फर्स्ट फिट इसलिए बेहतर है कि फर्स्ट फिट में आपको पूरी यहां पे तो टेबल शो हो रहा है जी बच्चे, यहां पे तो टेबल शो हो रहा है, फिर भी तो शो नहीं हो रही सर, शो नहीं हो रही स्क्रीन, यस सर जी सर, स्लाइड आ रहा है जो आपने कराया था जॉब 1 2 3 वाला, स्लाइड आ रही है या पिक्चर आ रही है, पिक्चर आ रही है, स्लाइड नहीं आ रही, पिक्चर आ रही है, एक मिनट दोबारा शेयर करता हूं। अच्छा वो हम स्विचिंग करते हैं तो वो मतलब पिछला दिखा रहा था, ये डेडलॉक ही है, ये हमारी मेमोरी है। अच्छा तो अब ये कहता है कि जी इसमें से बेहतर कौन सी, अब ये तीन तो हमने डिस्कस कर ली, इसमें से फर्स्ट फिट इसलिए बेहतर है कि स्पीड इसकी ज्यादा बेहतर है, क्यों, सपोज करें आपके पास 5 फ्री होल्स हैं, फर्स्ट फिट में हो सकता है पहली फ्री होल इतना बड़ा है कि वो आपके प्रोसेस को अकोमोडेट कर देगा, तो आपको बाकी 4 को चेक या कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, तो लिहाजा आपकी स्पीड बेहतर होगी। बेस्ट फिट या वर्स्ट फिट में आपको 5 के 5 को चेक करना पड़ेगा, फिर हमें पता चलेगा ना कि कौन सा बेस्ट फिट बनेगा और कौन सा वर्स्ट फिट बनेगा, यानी सबका साइज हमें पता होगा फिर हम डिसाइड करेंगे, जबकि इसमें जरूरत नहीं है, इसमें अगर पहला का साइज उसके बराबर है या उससे बड़ा है हम उसमें प्लेस कर देंगे, बाकियों को 4 को सर्च करने की जरूरत नहीं, तो ये स्पीड वाइज ये बेहतर हो जाती है। जबकि बेस्ट फिट जो है वो चूंकि स्मॉलेस्ट होल लेफ्ट ओवर करती है, तो ये स्टोरेज में जो है वो हमारे पास थोड़ी सी बेहतर हो जाती है। तो ये हमारे पास तीन टेक्निक्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं वेरिएबल पार्टीशनिंग के अंदर, और वेरिएबल पार्टीशनिंग में हमारे पास कोई फिक्स पार्टीशन नहीं होती, जो प्रोसेस आता है बस वही जितनी उसकी मेमोरी रिक्वायरमेंट होती है वही पार्टीशन बन जाती है, और जब वो प्रोसेस निकल जाता है तो फिर हम कहते हैं उसे फ्री होल। और इशू जो इसमें आता है वो हमारे पास बनता है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का, फिक्स पार्टीशन में, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन फिक्स पार्टीशन में, जबकि एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का इशू बनता है वेरिएबल पार्टीशन के अंदर। तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का इशू क्या बनता है कि आपके पास ये जो ये डायग्राम है, सपोज करें इस डायग्राम में कुछ इस तरह सूरत हाल बन रही है कि पहला फ्री होल है 10 MB का, फिर है 20 MB का, फिर है 10 MB का, फिर है हमारे पास 20 MB का, तो 4 फ्री होल हैं, ठीक है। अब 2 20 के 2 10 के तो ये हमारे पास कितने हो गए 60 MB। अब एक नया प्रोसेस आता है उसकी रिक्वायरमेंट है 50 MB, तो क्या हम 50 MB को इसमें लोड कर सकेंगे, बताएं आप लोग, सर कर सकते हैं, कर सकते हैं। अच्छा कहाँ करेंगे, किस जगह करेंगे, आपके जो फ्री होल हैं उनका साइज तो 10 और 20 है, जबकि प्रोसेस की रिक्वायरमेंट तो 50 MB है, फिर तो नहीं होगा, हाँ नहीं हो सकता। ये ऐसा ही है कि एक क्लास के बच्चों की तादाद है 50, हमारे पास जो रूम है
वो उसमें सिटिंग कैपेसिटी है 10 या 20, तो हम 50 की क्लास को उस 10 के रूम में नहीं बिठा सकते, ठीक है। हमें एक ऐसा रूम चाहिए जिसके अंदर 50 की सिटिंग कैपेसिटी हो। तो ये इश्यू का क्या कहलाता है हमारा। अच्छा, अगर टोटल आप स्पेस देखें तो हमारे पास स्पेस कितनी बन रही है, अगर आप सबको जमा करें 20 + 20, 10 + 10, तो ये हमारे पास बन रही है 60 MB, ठीक है। और प्रोसेस की रिक्वायरमेंट कितनी है, 50 MB। तो वैसे देखा जाए तो टोटल आपके पास 60 की स्पेस है और आपको 50 चाहिए, तो आपको लोड कर ले, आपको करना चाहिए था। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रहा है कि वो जो 60 की स्पेस है, 60 MB, वो एक ब्लॉक की शक्ल में नहीं है, बल्कि वो कैसे है, स्कैटर्ड है, छोटे छोटे ब्लॉक्स में। यानी एक 50 स्टूडेंट की क्लास बिठानी है, अब हमारे पास 4 कमरे फ्री हैं, 2 कमरे में 10 10 बच्चे बैठ सकते हैं, 2 में 20 20 बैठ सकते हैं, तो 50 की क्लास तो इनमें से चारों में से किसी कमरे में नहीं बैठ सकती ना। तो हाँ, इन 4 कमरों को मर्ज करके एक बड़ा कमरा बना लें तो फिर हमारे पास हो गए 60 की गुंजाइश, और फिर हम वहाँ पे 50 की क्लास बिठा सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम क्या कहलाता है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। याद रखिएगा कि एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कहाँ होती है, वेरिएबल पार्टीशनिंग में, और इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कहाँ होती है, फिक्स पार्टीशनिंग में। अब वो कहता है कि जी टोटल मेमोरी स्पेस एग्जिस्ट टू सेटिस्फाई अ रिक्वेस्ट बट इट इज नॉट कंटीजियस। अब ये बात हमने की कि हमें मेमोरी कंटीजियस एलोकेशन में चाहिए, यानी एक ब्लॉक की शक्ल में चाहिए। एक प्रोसेस को अगर 50 MB चाहिए तो वो एक ब्लॉक 50 MB का चाहिए। तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का मतलब ये है कि टोटल ओवरऑल स्पेस तो सिस्टम में मौजूद है प्रोसेस की रिक्वायरमेंट से ज़्यादा, लेकिन उसकी वो कंटीजियस एलोकेशन की शक्ल में नहीं है, या कंटीजियस ब्लॉक की शक्ल में नहीं है, बल्कि वो स्कैटर्ड ब्लॉक की शक्ल में है। लिहाजा हम अपने उस प्रोसेस को वहाँ पे लोड नहीं कर सकते, और दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। ओके, अब इस एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का सोल्यूशन क्या है, तो रिड्यूस एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन बाय कॉम्पैक्शन। जो सोल्यूशन है वो क्या है, कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन क्या चीज़ होती है, कॉम्पैक्शन का मतलब ये है कि आपके पास सिस्टम में, जिस तरह अभी हमने कहा कि 20 20 और 10 10 के 4 फ्री होल्स हैं, ठीक है, और वो चारों डिफरेंट जगहों पे हैं, कोई शुरू में, कोई दरमियान में, कोई दो दरमियान में, कोई एक एंड में। तो कॉम्पैक्शन ये करती है कि तमाम फ्री होल्स को एक साइड पे ले जाओ, ठीक है, तमाम फ्री होल्स को एक साइड पे। अब वो फ्री होल्स नहीं जाएंगे, बेसिकली जो जो प्रोसेसेस हैं जो लोड हुए हैं उनको रिलोकेट कर दो एक जगह पे। पहले जहाँ प्रोसेस 1 खत्म हो रहा है वहाँ पे 2 आ जाए, वहाँ उसके बाद 3 आ जाए, फिर 4 आ जाए, फिर 5 आ जाए, सारे प्रोसेस एक तरफ हो जाएंगे। तो एट द एंड जो स्पेस बचेगी वो हमारे क्या होंगे, फ्री होल्स की हो जाएगी। तो वो जो 20 20 और 10 10 के जो 4 होल्स बने हुए थे वो इकट्ठे होकर कंबाइन होकर एट द एंड आ जाएंगे, और वो हमारे पास क्या बन जाएगी, एक 60 MB की ब्लैंक सपोर्ट स्पेस बन जाएगी। अब 60 MB का एक कंटीजियस ब्लॉक बन गया, उसके अंदर जो आप वो 50 MB वाला जो प्रोसेस है वो लोड कर सकते हैं। इसी को हम कॉम्पैक्शन भी कहते हैं, इसी को हम गार्बेज कलेक्शन भी कह देते हैं, इसी को हम बर्पिंग ऑफ मेमोरी भी कह देते हैं। तो ये हमारे पास जो सोल्यूशन है वेरिएबल पार्टीशन में एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का, उसका जो सोल्यूशन है दैट इज व्हाट वी कॉल कॉम्पैक्शन, जिसमें हम बेसिकली करते हैं शफल मेमोरी कंटेंट्स टू प्लेस ऑल फ्री मेमोरी टुगेदर इन वन लार्ज ब्लॉक। कंपैक्शन इज पॉसिबल ओनली इफ रीलोकेशन इज डायनामिक एंड इट इज डन एट एग्जीक्यूशन टाइम। तो ये उस वक्त होगी जब हमारे पास जो रीलोकेशन है वो डायनामिक होगी और ये रन टाइम पे होगी। और इसके अंदर इशू ये आता है कि जब आप ये कंपैक्शन करते हैं तो फिर आप अदर प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट नहीं करते, क्योंकि सबके एड्रेसेस चेंज हो जाते हैं। मतलब ए का एड्रेस, प्रोसेस बी का एड्रेस पहले कुछ और था, उसका बेस और लिमिट जो है वो अपडेट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसी तरह सी का, डी का, सबका अपडेट हो जाएगा। तो लिहाजा नॉर्मली हम ये काम उस वक्त करते हैं जब सिस्टम पे लोड कम हो, क्योंकि जब ये कॉम्पैक्शन का काम किया जाएगा तो फिर बाकी प्रोसेसेस जो है वो अपनी नॉर्मल एग्जीक्यूशन नहीं करेंगे। तो इसको हम कहते हैं जी हमारे पास ये कॉम्पैक्शन कहलाती है। आज के लेक्चर के लिए हम बस इतना ही रखते हैं, इसमें से कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, फिर आगे हम सेगमेंटेशन और पेजिंग है वो फिर हम कल डिस्कस करेंगे। इसमें से कोई कुछ सवाल है तो मुझसे आप बता दें। दो सर। अच्छा, अब इसमें ना थोड़ा सा ये डायग्राम अगर बोर्ड पे होते हम तो इसको ज़्यादा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करते। मैं एक तो ये स्लाइड और स्लाइड के साथ ना इसमें कुछ पिक्चर्स हैं जो मैं आपको ना इसमें ऐड कर दूंगा स्लाइड्स के अंदर ही, वो फिर मैं अपलोड कर दूंगा, जो भी पिक्चर मैं आपके साथ शेयर कर रहा था। एक काम है ये चले, खैर मैं उसमें ऐड कर दूंगा, तो ताकि आप लोगों को जो डायग्राम होती है उससे चीज़ों को समझना आसान हो जाएगा। तो स्ट्रैपिंग की भी पिक्चर है, और इसके अलावा ये जो 3 हमने पढ़ी हैं बेस्ट फिट वर्स्ट फिट उसकी भी है, और अगर ये कॉम्पैक्शन की मुझे पिक्चर मिलती है तो फिर मैं वो भी अपलोड कर दूंगा, ताकि आप लोगों को चीज़ें जो समझना हो। ठीक है जी, क्लास पर आज हम मीटिंग कहीं पर कंक्लूड करते हैं। ओके सर, अल्लाह हाफिज़।